स्टार्ट सर। आज जज हसनात जुल्करनैन साहब के पास, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के डेजिग्नेटेड जज हैं और वैसे वो दहशतगर्दी के केसेस पर समाअत करते हैं, उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया। आज उनके पास इमरान खान साहब की जमानत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में की हेयरिंग थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की आज हेयरिंग थी, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज हेयरिंग थी। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपको सबको याद होगा कि 3.5 घंटे आर्ग्यूमेंट्स इस पर हुए और इस बात पर बहस होती रही, एक प्रोसिक्यूशन एक एतराज़ उठाती रही कि अभी ये ज़मानत नहीं सुनी जा सकती, जबकि वो जो बुनियाद थी वो बिल्कुल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन थी। प्री पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेल एप्लीकेशंस की हमेशा प्रायोरिटी होती है, हमेशा प्रेफरेंस होती है, वो हमेशा सुनी जाती है, उसका ताल्लुक किसी रिट पिटिशन के साथ नहीं होता। सो एक दफ़ा पहले ज़्यादती हो गई जब पोस्ट अरेस्ट बेल ना सुनी गई, और 3.5 घंटे की बहस के बाद आज यानी कि मंडे को जब हेयरिंग रखी गई, तो आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। तो एक तो दिक्कत होती है कि इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ पर इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही, कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के साथ साथ जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब छुट्टी पर जाएं और उनकी जगह कोई ड्यूटी जज जो है वो मुकदमे पर समाअत ना करें। तो गुज़िश्ता 1 घंटे से हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जज साहब अगर रुख्सत पे हैं तो उनकी जगह नोटिफिकेशन किस जज साहब का है, कि वो कौन जज साहब हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में ये समाअत करेंगे। जब ऐसी छुट्टियां अप्रूव होनी हो तो सबसे पहली सोच यही होती है कि नोटिफिकेशन है, ये मामला किधर जाएगा। तो आज ये मामला किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सक रहा था कि नोटिफिकेशन ही नहीं है कि इसको कौन सुनेगा, और मजबूरन आप जज साहब के आने का इंतज़ार करें। इसके लिए ऑफिशियली हाई कोर्ट में हम चीफ जस्टिस साहब के आगे अपनी अर्जी रखेंगे कि ऐसा नहीं होता, अगर जज साहब छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई जज डेजिग्नेट किया जाए और बेल की फ़ौरन समाअत हो। हमने आज इस मुकदमे को एडजर्न कर दिया गया, नहीं होना चाहिए था जुमेरात तक, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो हमें तारीख दोबारा बड़ी लंबी बताई जा रही थी, हमें हफ्ते के रोज़ की तारीख बताई जा रही थी, मगर हमने अब इस केस में जुमेरात बरोज़ जो 7 सितंबर की अब ये डेट है दोनों बेल एप्लीकेशंस पे, और हम उम्मीद करेंगे कि इन द मीन वाइल नोटिफिकेशन आ जाए कि जज साहब अगर रुख्सत पे हैं और छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई और जज साहब पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशंस, जो किसी भी सूरत जिसमें ताखीर नहीं हो सकती, जिसको एट द अर्लीस्ट सुनना चाहिए, ऑलरेडी उसमें 2-3 पेशियाँ जो हैं वो डल चुकी हैं। इमरान खान साहब 15 तारीख से इस केस में गिरफ्तार हैं, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। 16 को उनका रिमांड दे दिया जाता है, किसी को नहीं पता कि वो 16 को, ये सारी बात मंजर आम पर आती है जब तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल होती है। ये 30 तारीख को 14 दिन तक कार्रवाई किसी मुकदमे की ऐसे सीक्रेटली छुपाई नहीं जाती, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पैरवी करनी थी या उसकी कार्रवाई होनी थी, ना कि मुकदमे को सीक्रेटली चलाया जाता। तो ये तो मुकदमा ही बड़ा सीक्रेटली और ऑब्जेक्शनेबल मैनर में चलाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आइंदा तारीख जो कि जुमेरात है, तब तक कोई जज साहब नॉमिनेट हुए होंगे जिनके आगे हम अपनी बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करेंगे और ये केसेस अपने मेरिट्स पर डिसाइड हों। थैंक यू वेरी मच। दीवान सफदर साहब, बताइएगा कि पहले तो हम देखे थे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो वो बीमार होते थे या वो भी छुट्टी पर चले जाते थे, अब लोअर कोर्ट्स में भी उसी तरह के तकरीरी हरफ देखेंगे। देखें, बात ये कि किसी भी जज साहब को कोई भी मजबूरी हो सकती है, हम समझते हैं इस बात को। एक कंसर्निंग बात यह थी कि अब हमारी नज़र में छुट्टियां ऑफिशियली ख़त्म हो गई हैं, जो वकला साहिबान भी कई बार छुट्टियां मनाने गए हुए थे मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, वो भी आ गए। तो आज से छुट्टियां ख़त्म होने का सिलसिला हुआ और आज से बाकायदा काम शुरू हुआ। तो जब काम शुरू हुआ तो इंसाफ छुट्टी पर चले जाए, उसकी समझ नहीं आई, चलें चला जाए इंसाफ छुट्टी पर, उसकी जगह कोई और इंसाफ देने के लिए तो बैठा हो ना। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर और आज कोई कोर्ट ही नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर समाप्त करे। सर, हम इसमें एक एक मैं एक प्लीज